तो बेटा नेक्स्ट चीज़ जिस पे हम बात करेंगे वो है दरअसल नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन एक फोर्स है बेसिकली। तो इस पे हम थोड़ा सा बात करते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन होता क्या है, ठीक है, और हम इसे कैलकुलेट करते कैसे। एक चीज़ सोचो कि जब दो ऑब्जेक्ट्स कॉन्टैक्ट में होते हैं ना, तो वो कॉन्टैक्ट में एक दूसरे पे एक फोर्स एग्जर्ट करते हैं और उस फोर्स को कहा जाता है कॉन्टैक्ट फोर्स। मैं बता देता हूँ, जैसे मान लो इस तरह से एक ऑब्जेक्ट है, राइट, और यहाँ पे मान लो एक सरफेस है जो कि कुछ इस तरह से है। अब ये ग्राउंड है और उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कांटेक्ट में है, तो जहाँ पर कांटेक्ट हो रहा है वहाँ पर एक फोर्स लग रहा है और उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स, है ना। मतलब जहाँ जहाँ पे ये तुम्हें दिख रहा है, जहाँ जहाँ पे कांटेक्ट है, फोर्स लग रहा है, जिसे कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। अब राइट नाउ जब मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे तो नहीं पता कांटेक्ट फोर्स की डायरेक्शन क्या है। सोचो मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि कांटेक्ट फोर्स इस पॉइंट पे ऐसे लग रहा है, इस पॉइंट पे कांटेक्ट फोर्स ऐसे लग रहा है, इस पॉइंट पे कांटेक्ट फोर्स ऐसे लग रहा है, इस पॉइंट पे कांटेक्ट फोर्स ऐसे लग रहा है, इस पॉइंट पे कांटेक्ट फोर्स ऐसे लग रहा है ना, इस पॉइंट पे ऐसे लग रहा है। मतलब जिधर जिधर कांटेक्ट है उधर उधर लग रहा है कौन सा फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, ऐसे करके, है ना। ज़रा इनमें से कोई एक कांटेक्ट फोर्स बना लेते हैं ऐसे करके मान लो। अब सोचो इस पॉइंट पे ये फोर्स लग रहा है ना। अब इस कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट्स बना सकते हो, एक कंपोनेंट यहाँ से आएगा और एक कंपोनेंट यहाँ से आएगा, ठीक है। ये जो कंपोनेंट है ना इस कांटेक्ट फोर्स का, इट इज़ सिंपली पैरेलल टू द सरफेस। ये कांटेक्ट फोर्स सरफेस के पैरेलल है और ये वाला जो कंपोनेंट है ना, इट इज़ सिंपली परपेंडिकुलर टू सरफेस, इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो कांटेक्ट फोर्स का वो वाला हिस्सा जो सरफेस के परपेंडिकुलर है उसे कहा जाता है नॉर्मल। क्या कहते हैं? नॉर्मल, या फिर इसे कभी कभी कहा जाता है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो जो कांटेक्ट फोर्स लग रहा है उस कांटेक्ट फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहलाता है नॉर्मल, और उसी कांटेक्ट फोर्स का जो पैरेलल कंपोनेंट है वो कहलाता है फ्रिक्शन। इस पे हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई मुझसे पूछता है कांटेक्ट फोर्स क्या है, तो मैं बोलता हूँ सबसे पहले वो फोर्सेस जो तब लगते हैं जब बॉडीज कांटेक्ट में हो, तो उसे कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, ठीक है। उसको तुम दो हिस्सों में सेपरेट कर सकते हो, एक वो कंपोनेंट जो सरफेस के परपेंडिकुलर है जी, और दूसरा कंपोनेंट जो सरफेस के पैरेलल है। पैरेलल वाला कंपोनेंट इज नोन एज फ्रिक्शन एंड परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। ओके, तो एक्चुअल में होता क्या है इसको समझो। दो तीन चीज़ें हैं जो जल्दी जल्दी समझाऊंगा मैं, वो ये है कि जैसे मान लो, सेकंड मुझे यहाँ पे ना पेज चाहिए, एक सेकंड बेटा, सेकंड बेटा। मान लो कि ऐसा समझ लेते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं और वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हैं। यहाँ पे ऐसे सोच लेते हैं, ये एक सरफेस है, नीचे वाली सरफेस, और इसके साथ ऐसे ऊपर वाली सरफेस जो है वो इस तरह से कांटेक्ट में है। ये ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है और ये नीचे वाला ऑब्जेक्ट है। तो ये सारे जो है ना यहाँ पे जो तुम्हें दिख रहे हैं, ये कांटेक्ट पॉइंट्स हैं। तो जैसे मैंने अभी बोला, इन कांटेक्ट पॉइंट्स पर ऐसे करके फोर्स लग रहा होगा। एक्चुअली मुझे नहीं पता कहाँ लग रहा होगा फोर्स, बट मैं ऐसे मान रहा हूँ इधर लग रहा है। तो तुम क्या कर सकते हो, इन सारे फोर्सेस को सेपरेट कर सकते हो, तोड़ सकते हो ना। तो जो इनके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होंगे, ये वाले कंपोनेंट जो ऊपर की तरफ मैं बना रहा हूँ, इन परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को क्या कहेंगे हम? नॉर्मल रिएक्शंस। इन सब का सम जो है ना, वो हम एक ही फोर्स लिखेंगे आज से, ठीक है, और उस फोर्स को हम लोग कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन। ओके, ठीक, इस बात को समझो। सो नॉर्मल रिएक्शन दरअसल इन सारे परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का जो है ना वो रिजल्टेंट है। बस इतना इतनी बात जो है वो दिमाग में फिट कर लो, ठीक। अच्छा, पहली बात तो ये है कि जो नॉर्मल रिएक्शन है ना, उसकी डायरेक्शन इज ऑलवेज फिक्स्ड, इट नेवर चेंजेस। ओके, यानी जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं ना, चाहे किसी भी डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया,
इसकी जो नॉर्मल रिएक्शन की जो डायरेक्शन है दैट डू नॉट डिपेंड ऑन द अप्लाइड फोर्स, वो अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर में होता है, मतलब अगर इस तरह से एक ऑब्जेक्ट ये है ए और एक ऑब्जेक्ट ये है बी, है ना, ए और बी कांटेक्ट में है, तो पता है क्या होगा, ए ने दिया नॉर्मल रिएक्शन बी के ऊपर ऐसे, दिस इज़ द नॉर्मल रिएक्शन बी ऑन बिकॉज ऑफ ए, तो बी वापस देगा नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए बिकॉज ऑफ बी, ठीक है ना। ए ने दिया नॉर्मल रिएक्शन बी पे, बी देगा ए पर वापस नॉर्मल रिएक्शन, ठीक। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा दो बॉडीज़ के बीच में लगता है कॉन्टैक्ट पॉइंट पे, और वो कंप्रेस करने की कोशिश करता है, यानी इट्स अ टाइप ऑफ कंप्रेसिव फोर्स, ये कंप्रेसिव फोर्स होता है, कंप्रेसिव टाइप का, ठीक है ना। ओके, चलो इसकी डायरेक्शन देखते हैं, डायरेक्शन पे बात करते हैं इसकी, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं तुम्हें बोलूँ यहाँ पर इस तरह से सोच के देखो, एक ऑब्जेक्ट है जो ऐसे है, सेकंड है, ये बॉडी है और ऐसे लग रहा है ना, ये इस तरह से, ठीक है। यानी आप इस तरह से सोच सकते हो कि यहाँ पे एक इंक्लाइनेड प्लेन है, ठीक है। ये जो है ना, ये जो यहाँ पे लग रहा है ये एक इंक्लाइनेड प्लेन है, इंक्लाइनेड प्लेन, और ये जो है ये एक ब्लॉक है। अब इस बात को समझो, यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा ध्यान दो, ये है नॉर्मल रिएक्शन जो लग रहा है किस पे, दिस इज़ द नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक बिकॉज ऑफ इंक्लाइन, है ना। और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये है नॉर्मल रिएक्शन ऑन इंक्लाइन बिकॉज ऑफ द ब्लॉक, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। ये है नॉर्मल रिएक्शन जो लग रहा है किस पे, इंक्लाइन पे बिकॉज ऑफ द ग्राउंड, ठीक है। और ये है नॉर्मल रिएक्शन जो लग रहा है ग्राउंड पे बिकॉज ऑफ द इंक्लाइन, ठीक है ना। ओके, जैसे काम करो, आप इस तरह से सोचो, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐसे हैं, ठीक, और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐसे हैं कांटेक्ट में, ठीक है ना। आपने यहाँ पे फोर्स लगाया एफ, ये है ये बी है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्या कह रहा हूँ मैं, ये जो है ना ये इस तरफ, ये है नॉर्मल रिएक्शन जो लग रहा है बी पर, किसने लगाया, ए ने, और ये है नॉर्मल रिएक्शन जो लग रहा है ए पर, किसने लगाया, बी ने, यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। अब बोलेंगे सर एक मिनट, ऐसा थोड़ी है, एक और बात है सर, ये ए भी तो ग्राउंड के कांटेक्ट में है, तो ये है नॉर्मल रिएक्शन जो लग रहा है ए पे ग्राउंड की वजह से, ठीक है, और ये है नॉर्मल रिएक्शन जो लग रहा है ग्राउंड पे ए की वजह से, ठीक है। इन द सिमिलर फैशन ये है नॉर्मल रिएक्शन जो लग रहा है बी पे, किसकी वजह से, ग्राउंड की वजह से, और ये है नॉर्मल रिएक्शन जो लग रहा है ग्राउंड पे, सॉरी, जो लग रहा है ग्राउंड पे, किसकी वजह से, बी की वजह से, ठीक है ना। तो एग्जांपल्स और लेते हैं, समझ आ रहा है मैं कैसे बना रहा हूँ, जिधर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उधर पर ही नॉर्मल लगता है, ठीक है। जैसे एक दो डायग्राम्स और बना लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे से समझ आएगा फिर। दीवार ये मान लेते हैं, दीवार ये मान लेते हैं, और इनके बीच में एक, ओह सॉरी सॉरी, के बीच में एक, रॉड है ऐसे करके, ठीक है। यहां से ये दीवार है, यहां से ये ग्राउंड है, और एक रॉड है जो इस तरह से इस पे लगी हुई है, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन बताइए, जरा ध्यान से देखिएगा कैसे बनेगा नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू। ये है यहाँ पे कांटेक्ट पॉइंट, सो दिस इज़ द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द रॉड बिकॉज ऑफ द ग्राउंड, और ये है नीचे की तरफ नॉर्मल रिएक्शन ऑन ग्राउंड
हाँ जी, नॉर्मल रिएक्शन ऑन ग्राउंड बिकॉज ऑफ द रॉड, ठीक, ओके। इसी तरह से ये जो है, ये है नॉर्मल रिएक्शन ऑन द रॉड बिकॉज ऑफ वॉल, और ये है नॉर्मल रिएक्शन ऑन द वॉल, नॉर्मल रिएक्शन ऑन द वॉल बिकॉज ऑफ द रॉड, ओके, ठीक। एक दो एग्जांपल्स और बना लेते हैं, ले लेते हैं यहाँ पे स्फीयर ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इस स्फीयर पे ना एक साइड से एक दीवार ऐसे है और यहाँ पे ग्राउंड ऐसे है, ओके, ठीक। इस तरह से ये दीवार है यहाँ पे और यहाँ पे ये ग्राउंड है, ओके बेटा, ठीक। अब देखो ज़रा बताओ कहाँ पे क्या नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द स्फीयर बिकॉज ऑफ द वॉल, एंड दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द वॉल बिकॉज ऑफ द स्फीयर, नॉर्मल रिएक्शन ऑन द वॉल बिकॉज ऑफ द स्फीयर, ओके। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द स्फीयर बिकॉज ऑफ ग्राउंड, एंड दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ग्राउंड बिकॉज ऑफ स्फीयर, नॉर्मल रिएक्शन ऑन ग्राउंड बिकॉज ऑफ स्फीयर, ओके, ठीक है। कुछ एक आधा एग्जाम्पल और ट्राई करते हैं, सेकेंड। इसी केस को थोड़ा मैं और तो जो बोलो एग्जेजरेट कर रहे हैं, कैसे सुनना, इधर काम करते हैं, एक रॉड इधर रख लेते हैं, ठीक है, एक रॉड ऐसे रख लेते हैं, इधर ये ग्राउंड है ना, ये रॉड इधर कांटेक्ट में है और इधर भी, तो आप कैसे बोल सकते हो दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द रॉड बिकॉज ऑफ द स्फीयर, है ना। ओह सॉरी सॉरी, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द रॉड ऑन द रॉड बिकॉज ऑफ द स्फीयर, एंड दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द स्फीयर बिकॉज ऑफ रॉड, है ना। इस तरह से दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द रॉड बिकॉज ऑफ द ग्राउंड, नॉर्मल रिएक्शन ऑन द रॉड बिकॉज ऑफ ग्राउंड, एंड दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ रॉड ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तुमको समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना। तुम्हें शायद अंदाज़ा लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन कैसे बताई जाती है, ठीक है, ओके। एक एग्जांपल और बना लेते हैं, एक दो एग्जांपल्स लेंगे, थोड़ा समझ आना चाहिए, बस पर्पज़ वही है मेरा। यहाँ पे एक ऐसे, यहाँ पे एक ऐसे है, यहाँ पे एक ऐसे है और यहाँ पे एक ऐसे है, ठीक, और यहाँ पे कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट है, यहाँ भी कांटेक्ट कराते, ओके, ठीक है, ये कांटेक्ट में है इधर, है ना। अब यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो ये एक तरफ से इस तरह से कांटेक्ट में है, और एक तरफ से वहाँ पे है, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन बताना है, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक बिकॉज ऑफ दिस वॉल, एंड ये है वॉल पर जो कॉन्टैक्ट फोर, ये नॉर्मल रिएक्शन है किसकी, ब्लॉक की वजह से, ये है ब्लॉक पर दीवार की वजह से और ये है दीवार पे ब्लॉक की वजह से, नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक बिकॉज ऑफ द वॉल, नॉर्मल रिएक्शन ऑन द वॉल बिकॉज ऑफ द ब्लॉक, नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक बिकॉज ऑफ द वॉल, नॉर्मल रिएक्शन ऑन द वॉल बिकॉज ऑफ द ब्लॉक, राइट, ठीक है। तो इस तरह से आप नॉर्मल रिएक्शन की जो डायरेक्शन वगैरह है वो बता सकते हैं, ठीक। हम चाहे तो कितनी ही एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं, ठीक है, तो मेन बात यह है कि यू शुड अंडरस्टैंड दैट नॉर्मल रिएक्शन किस तरह से लगता है, डायरेक्शन क्या है नॉर्मल रिएक्शन की, बस वो ज़रूरी है, बाकी कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। अब आते हैं, चलते हैं इसकी कैलकुलेशन पे, ये कैलकुलेट कैसे करा जाता है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा देखिए, एक आदमी है जो इस स्फीयर को पुश कर रहा है इधर की तरफ, धक्का दे रहा है इसको,
तो आपको बताना है कॉन्टैक्ट फोर्सेस की वैल्यू क्या रहेगी, यानी नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा पहले वाले केस में। ज़रा यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाओ और मुझे बताओ क्या होंगे कॉन्टैक्ट फोर्सेस की वैल्यूज़। ज़रा देखो, यहाँ पे नहीं लगेगा एक नॉर्मल रिएक्शन, इधर स्फीयर के ऊपर, मैं स्फीयर की बात कर रहा हूँ। अगर मैं स्फीयर की बात कर रहा हूँ ना, तो स्फीयर पर जो फोर्सेस लगते हैं वो दिखाने हैं, स्फीयर जो फोर्सेस लगा रहे हैं वो नहीं दिखाने, स्फीयर पर जो लग रहे हैं वो दिखाने हैं, ठीक। और यहाँ स्फीयर पे एक फोर्स लग रहा है एफ, है ना, यहाँ एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ स्फीयर पे, है ना, और एक फोर्स लगेगा नीचे की तरफ स्फीयर पे, विच इज़ एम जी। तो तुमको नहीं लगता ये जो नॉर्मल रिएक्शन है एन, ये एम जी के बराबर होगा? तो एन विल बी इक्वल टू एम इन टू जी, एम यहाँ पे है 3, जी है 10, तो ये नॉर्मल रिएक्शन आएगा 30 न्यूटन, है ना, ठीक। और अगर इस नॉर्मल रिएक्शन की बात करें एन डैश, ये नॉर्मल रिएक्शन एन डैश इधर है और फोर्स इधर है, तो ये दोनों बराबर होंगे, एन डैश एफ के बराबर है, यानी एफ यानी 100 न्यूटन। समझ आया? ठीक। अब ज़रा इस वाले केस को देखो। अब दिस केस इज इन जनरल ए इंटरेस्टिंग केस, ओके। इसको बनाते हैं, कहाँ गया? अरे इसको लेके आता हूँ मैं, रुक जाओ एक मिनट। अच्छा देखो, यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है हमें, कॉन्टैक्ट फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो बतानी है। अच्छा, इस डायग्राम को हम थोड़ा रिपीट करके बनाते हैं, ठीक है ना। आप क्या करेंगे ना, आप आराम से देखेंगे, अगला सवाल आपको ही करना है, मैं तो नहीं करने वाला। इधर देखना, ये है आपके पास, ये जो एंगल यहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया है 30 डिग्री, है ना, 30 डिग्री का एंगल दिया गया है ये। अच्छा, तो यहाँ पे ये एक स्फीयर है जिसको बना रहे हैं हम लोग वापस, पता नहीं बार बार कहाँ चला जाता है, व्हाट हैपेंड, हो क्या रहा है, कहाँ जा रहा है ये, सेकंड, ओके ठीक है। अब देखो, जैसे अब इस बार कहीं नहीं जाना चाहिए, अरे तो प्रॉब्लम है ना। देखो, एक स्फीयर बना लेते हैं, इस तरह का स्फीयर है ना ये, जो इस तरह से है इस पे, है ना, ऐसे करके, और यहाँ से एक लाइन है, दीवार है बेसिकली जो इधर से है। एक ही बार मैं अच्छे से बनाऊंगा, अगली बार तो मैं डायरेक्ट बनाऊंगा, फिर देखना अच्छे से कैसे। एक बात मुझे बताओ, जहाँ पे कांटेक्ट है वहीं पे तो कांटेक्ट फोर्स लगेगा, ठीक है ना, यहाँ पे कांटेक्ट है तो यहाँ पे लगेगा कांटेक्ट फोर्स सेंटर की तरफ, ठीक है, इधर लगेगा कांटेक्ट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, ये होगा नॉर्मल रिएक्शन। अब मुझे एक बात समझाओ इस एंगल के बारे में, ओके वेट अ मिनट, इस एंगल के बारे में एक चीज़ मुझे बता रहे, बाप रे पता नहीं सवाल में क्या दिक्कत है, पनौती है ये, बताए यहाँ मुझे बताओ एक चीज़, यहाँ पे ये एंगल जो है 30 है, हो गया 90, है ना, ये हो गया फिर 60, ठीक है ना, हो गया 60 फिर, ओके। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बनाऊँ, ये हो गया फिर 30, है ना, तुमको समझ आ रहा होगा कैसे। ये हो गया फिर 60 और ये एंगल हो गया फिर 30, है ना, ठीक। यानी नटशल में क्या याद रखना है, अगर यहाँ पे कांटेक्ट है नॉर्मल ऐसे लगेगा ना, ये एंगल 30 है ना, तो आज के बाद याद रखोगे ये भी 30 होगा। अब हर बार थोड़ी एबीडी बनाएंगे, यहाँ से आएगा एन कॉस 30, यहाँ से आएगा एन साइन 30, नीचे की तरफ लगेगा एम इन टू जी, और यहाँ पे कांटेक्ट है तो यहाँ पे एक फोर्स लगेगा एन डैश। अब तुम देख पा रहे होंगे ऊपर का कंपोनेंट इज एन कॉस 30, दैट इज इक्वल टू एम इन टू जी, ठीक। तो एन कॉस 30 मतलब √3/2 एम जी, एम कितना है इसका मास दिया 50 kg, यानी 500, तो एन आ जाएगा 1000/√3 newtons, ठीक। और ये एन डैश जो है, एन डैश इधर की तरफ लग रहा है, इधर की तरफ ये वाला फोर्स, ये दोनों बराबर होंगे, एन डैश होगा बराबर एन साइन 30, इसका मतलब है एन डैश विल बी, एन का वैल्यू है 1000/√3, साइन 30 है 1/2, एन डैश होगा 500/√3।
3 न्यूटन। ओके ठीक, खत्म बात, ठीक है ना। अब इस सवाल को देखो, देखो इस पे भी मैं सिंपली डायरेक्टली जल्दी जल्दी बना लेता हूँ, ज़रूरत नहीं है आप डिटेलर बनाओ, अभी जैसे हमने करा वैसे करेंगे। इधर एक नॉर्मल लगेगा ऐसे और इधर एक नॉर्मल लगेगा ऐसे, ठीक है। इन दोनों को मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, एक नॉर्मल ऐसे, नॉर्मल ऐसे, ठीक। अच्छा अभी जैसे मैंने बोला ये एंगल कितना होगा यहाँ पे 60, तो ये वाला एंगल इज़ यहाँ पे 60 N1 मान लेते हैं, और यहाँ पे ये वाला एंगल कितना है 60, तो ये भी होगा 60। तो अगर दोनों साइड से एंगल बराबर है तो अगर ये N होगा ये भी N ही होगा, ज़रूरत नहीं है N1 N2 की, यहाँ पे समझ आया। तो यहाँ पे आएगा N cos 30 इस साइड पे, ये आएगा N sin 30 है ना, ये भी आएगा N cos 60। 30 क्यों ले रहा हूँ मैं, 60 जो है, अरे यार 60 60 है ना, और यहाँ से N sin 60, ठीक है। और नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा जो है M into G। अच्छा देखो ये N sin 60 N sin 60 कैंसिल, अपोजिट में है ना, तो ऊपर की तरफ लगेगा twice N cos 60, दैट विल बी इक्वल टू M into G। तो twice N cos 60 आता है 1/2, M की वैल्यू है 60 G, तो ये बनेगा 600 202 कैंसिल, N की वैल्यू आ रही है 600 न्यूटन। समझ आ रही है बात, ठीक। तो N की जो वैल्यू है वो आ रही है 600 न्यूटन इस केस पर, ठीक है। ज़रा गौर से देखिए, हमने किसी जगह पे गलती तो नहीं कर दी, ठीक 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 ठीक। यहाँ ऊपर N cos 60 N cos 60 cos 60 होता है 1/2, ठीक है बेटा बराबर है ना, तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो ये वाला सवाल मैं आपको दे रहा हूँ एज होमवर्क, यहाँ पे अगर आप N1 मानेंगे ना तो आप जानते हैं यहाँ पे आपको N2 मानना पड़ेगा, क्योंकि इस साइड और इस साइड पे एंगल बराबर नहीं है। तो ये आपका होमवर्क है, इसे सॉल्व कर लेना अच्छे से, ठीक। मुझे इसका आंसर बता देना क्या आएगा, ठीक है। अच्छा एक सवाल ले लेते हैं, ये कह रहा है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो चल रहा है, कार्ट है बेसिकली, ये चल रहा है, इस कार्ट की वेलोसिटी गिवन है, और यहाँ 2 kg का एक मास है जो अंदर है, आपको बताना है व्हाट इज़ द टोटल फोर्स एक्सपीरियंसड बाय द स्फीयर, स्फीयर पर टोटल फोर्स क्या लगेगा, जो ये स्फीयर, व्हाट इज़ द टोटल फोर्स एग्जर्टेड बाय स्फीयर ऑन द क्यूब। अच्छा इस क्यूब पर यानी इस कार्ट पर देखना है स्फीयर कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे बताओ वेलोसिटी क्या है, यानी ये स्फीयर कितना फोर्स लगाएगा इस कार्ट पर, ये बताना है नॉर्मल रिएक्शन। मुझे बताओ यहाँ पे क्या दिया गया, 5 TiCap प्लस 2 TJ cap, एक्सेलरेशन किसके बराबर आती है, TV/DT, बिल्कुल यह आएगा 5 I cap 2 J cap, सही बात है। तो अगर मैं एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में देखूँ वो 5 है, और एक्सेलरेशन देखूँ y डायरेक्शन में वो तो 2 है, वो है ना, x डायरेक्शन में 5 y डायरेक्शन में 2, ठीक। अब मुझे बताओ एक चीज़, अगर यहाँ पे FBD तैयार की जाए, स्फीयर की FBD बनाते हैं, जो स्फीयर है ना गोल, इसकी FBD बना दो, स्फीयर की FBD बना सकते हैं हम लोग पहले ऐसे करके, ठीक है। अच्छा बताओ इस स्फीयर पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा, सोच के बताना। ये गाड़ी आगे जा रहा है ना, कार्ट आगे जा रहा है, तो इधर की तरफ होगा फोर्स M into AX, ठीक है। एक फोर्स नीचे लग रहा होगा M into G, और देखो इस स्फीयर की FBD बना रहे हैं, स्फीयर ने दिया कार्ट पे नॉर्मल, इधर नॉर्मल ने स्फीयर दी स्फीयर पे दिया कार्ट, और सॉरी कार्ट ने स्फीयर पे दिया नॉर्मल, एक्सट्रीमली सॉरी, तो NX, ठीक है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ NX = M × AX, बिल्कुल NX = M, M की वैल्यू जो है वो है अपने पास कितना 2, और AX एक्सेलरेशन इन X डायरेक्शन दैट इज़ 5, तो सबसे पहले इस पर जो नॉर्मल लग रहा है वो 10 न्यूटन है, ठीक। अब इसी स्फीयर को ज़रा अच्छे से आराम से देखो वाई डायरेक्शन में क्या होगा इस पर, यहाँ एक नॉर्मल और लगेगा कॉन्टैक्ट में ना, इधर की तरफ ऊपर की तरफ एक नॉर्मल लगेगा ना, जो क्या होगा NY, सही है ना, ठीक। और वाई डायरेक्शन में यहाँ पे एक्सेलरेशन भी है AY, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर इसका मास M into AY इज इक्वल टू ऊपर वाली डायरेक्शन में NY normal - M into G, तो मास NY को ऐसे लिख सकता हूँ M into AY - MG, तो मास कितना है इसका 2, एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन इज 2 माइनस मास इज 2 इंटू जी यानी 10। तो यहाँ पे आप देखो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू प्लस आ जाएगा, ये प्लस, हाँ ये बनेगा 24 न्यूटन, है ना। सो टोटल फोर्स जो लग रहा होगा दैट इज़ √NX² + NY² क्यों, क्योंकि देखो ना इस पर 2 नॉर्मल लग रहे हैं,
एक लग रहा है ऊपर की तरफ, एक लग रहा है इधर की तरफ 90 डिग्री पे, तो टोटल नॉर्मल इधर की तरफ होगा, तो यानी वो आ जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, सॉल्व करो ये 26 न्यूटन आ जाएगा। ये स्फीयर पे है वो फोर्स जो काटने लगा, तो काट पर भी इतना ही फोर्स वापस स्फीयर लगाएगा। ठीक, ये आपका मैंने होमवर्क दिया, ये कर लेना ठीक है। अच्छा ये वाला केस देखो, यहाँ आपको नॉर्मल रिएक्शन बताना है ठीक है। देखो यहाँ पे कांटेक्ट है ना, तो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन होगा कांटेक्ट पॉइंट पे। अब देखो ये है वो नॉर्मल जो फर्स्ट पे लग रहा है, लगाया किसने, जो सेकंड पे लग रहा है लगाया किसने, फर्स्ट ने। और ये है वो नॉर्मल जो फर्स्ट पे लग रहा है, लगाया किसने, सेकंड ने। ये दोनों बराबर ही होंगे ना, एक्शन रिएक्शन है, तो बस इस नॉर्मल को देखना है हमें कितना होगा। ज़रा देखो एसरेशन अगर मैं इस सिस्टम की लिखूँगा, फोर्स अपॉन नेट मास, m1 + m2 ठीक है। एक की एफ बी डी बनाओ, ज़रा ये m1 ले लेते हैं, इस पर एक फोर्स लगेगा इधर f है ना, और इस पे इसके ऊपर एक नॉर्मल लग रहा है n इधर, और ये जा रहा होगा आगे एसरेशन से। तो कैसे लिखते हैं देखना, m1 into a नेट फोर्स, जिधर ऑब्जेक्ट जा रहा है वो वाला फोर्स पहले लिखते हैं f माइनस अपोजिट वाला नॉर्मल, तो नॉर्मल आएगा बराबर f - m1 a। एफ़ की वैल्यू एफ ही लगा लेते हैं, माइनस m1 a की वैल्यू लगा लेते हैं f / m1 + m2 है ना। तो यहाँ पे देखो कैंसिलेशन में क्या आएगा, m1 f m2 f - m1 f / m1 + m2, तो नॉर्मल की वैल्यू m1 f कैंसिल, m2 / m1 + m2 × f। क्लियर है? ठीक, अब मैं शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगला सवाल शॉर्टकट से ही करेंगे हम लोग ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इधर गौर से देखिएगा। ये है एक बॉक्स, ये है दूसरा बॉक्स, दोनों कांटेक्ट में है, फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, ये m1 ये m2। यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉर्मल निकालना है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, देखो कैसे फोर्स किधर है, इधर की तरफ, तो इन दोनों को धक्का इधर ही मिल रहा है, तो इस पॉइंट पर जिधर फोर्स है, जिस तरफ फोर्स है उस तरफ कौन सा मास है, फोर्स आगे की तरफ है ना, इस पॉइंट के इस तरफ कौन सा मास है, m2। लिखो यही m2 डिवाइड बाई टोटल लिखो m1 + m2 इंटू कर दो f, f मतलब फोर्स इन x डायरेक्शन। ज़रा ये बताओ इधर देखो कितना बकवास है सवाल, इस पॉइंट पे नॉर्मल n1, अच्छा फोर्स इधर लग रहा है, तो इस पॉइंट के इस तरफ जिधर फोर्स लग रहा है कौन कौन सा मास है, m2 और m3। लिख लो m2 + m3 डिवाइड बाई टोटल m1 + m2 + m3 × f, खत्म। इस पॉइंट पे नॉर्मल बताना है, तो मैं नॉर्मल m2, देखो जिधर फोर्स लग रहा है उसके उसी तरफ कौन सा मास है, अब m3 डिवाइड बाई टोटल m1 + m2 + m3 × f, खत्म। कितने भी ऑब्जेक्ट्स क्यों ना रखे हो, अब डायरेक्टली बता सकते हैं ठीक है, मैं बताऊं ठीक है, वैसे तो कर सकते हैं उसमें कोई मसला नहीं है। यहाँ देखो यहाँ सवाल क्या है, दो ब्लॉक्स हैं जिनका मास है 2 kg और दूसरे का है 5 kg ठीक है। स्मॉल एम का मास है 2 kg, दूसरे का मास है 5 kg, कॉन्टैक्ट में है, एक फ्रिक्शनल हॉरिजेंटल फोर्स लग रहा है 35 न्यूटन, मतलब ये जो फोर्स यहाँ पे दिया गया ना ये वाला, ये 35 है, छोटा जो है वो 2 किलो का है और ये 5 किलो का है। हमें बताना है नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पे बताओ इस पॉइंट पे क्या होगा, जिधर फोर्स लग रहा है इधर की तरफ उसकी उसी तरफ कौन सा मास है, 5 / 2 + 5 × जो फोर्स लग रहा है वो 35 है, नॉर्मल भी 5/7 7 1 r 7 5 r, तो 25 न्यूटन। कह रहा है क्या नॉर्मल रिएक्शन चेंज होगा अगर हम फोर्स कैपिटल एम पे लगाते, चेक करते हैं। सिस्टम ये ना, ये बोल रहे अगर हम ये फोर्स कैपिटल एम पे लगाते, मतलब इस 5 kg वाले पे लगाते, क्या नॉर्मल रिएक्शन चेंज होता है, यहाँ देखते हैं। यहाँ पे इस पॉइंट पे जिधर लग रहा है फोर्स उसके उस तरफ कौन सा मास है, 2 / टोटल आता 5 + 2 × 20 = 35, तो ये आ जाता 2/7 × 35, 7 1 r 7 5 r, तो 10 न्यूटन। क्या चेंज होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, अगर मैं एसरेशन निकालता चाहे दोनों में से किसी पे भी फोर्स लगता, एसरेशन होता ये फोर्स अपॉन टोटल मास 35/7, 7 1 r 7 5 r, तो एक चीज़ समझ रहे हो आप, एसरेशन तो चेंज नहीं होगी लेकिन
नॉर्मल रिएक्शन चेंज होगा। एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ मैं, है ना, देखो, फ्रॉम दिस प्रॉब्लम इट इज़ क्लियर दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ एसेलरेशन डू नॉट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट दैट वेदर द फोर्स इज अप्लाइड ऑन एम और एम। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप छोटे एम या बड़े एम पे फोर्स लगा रहे हो, एसेलरेशन तो सेम ही आएगी, लेकिन फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट इस बात पर डिपेंड करता है। ठीक है, ज़रा इस सवाल को देखो फिर से एक बार, बकवास सवाल। हमें निकालना है नॉर्मल रिएक्शन 2 और 3 kg के बीच में, मतलब यहाँ पे, ये तो सीधा है नॉर्मल रिएक्शन, जिधर फोर्स लग रहा है उधर लग रहा है, उसके उस तरफ कौन कौन सा मास है इस पॉइंट के, अबाउट 3 + 5 अपॉन टोटल मास इज 2 + 3 + 5 इंटू जो फोर्स लग रहा है वो है 10, ये हो गया 8 / 3 - 5 हो गया 10 × 10, आंसर विल बी 8 N। अच्छा, वो दूसरा पूछा व्हाट इज़ द फोर्स बिटवीन ये दोनों 5 और 3, इधर इस तरफ फोर्स लग रहा है ना, इस पॉइंट के इस तरफ कौन सा ऑब्जेक्ट है 5 अपॉन टोटल इज 2 + 3 + 5 × 10, तो ये आएगा 5 N। ओके ठीक, सिंपल है ना। अच्छा, एसेलरेशन भी पूछा है, एसेलरेशन इज सीधा फोर्स जो लग रहा है 2 + 3 + 5 10/10 यानी 1। अगर हम ऐसे करेंगे, जैसे मान लो मैं बताता हूँ, एंड ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख लेते हैं, ठीक है, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट और यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट, ठीक है, तीन ऑब्जेक्ट्स रखे मैंने कॉन्टैक्ट में, ठीक। यहाँ पे इसका मास ले रहा हूँ मैं m1, इसका मास m2, इसका मास m3, ग्राउंड पे हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूँ, अगर इस पॉइंट पे नॉर्मल निकालना है, इस पॉइंट पे, तो आप देखो इस पॉइंट के ऊपर कौन कौन से मासेस दबाव डाल रहे हैं, इस पॉइंट के ऊपर वो तीनों मिलके दबाव डाल रहे हैं, तो यहाँ नॉर्मल आएगा m1 + m2 + m3 × g। इस पॉइंट पे देखो कौन कौन सा मास अपना दबाव डाल रहा है ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, m2 और m3 × g। इस पॉइंट पे देखो एक ही है m3 × g, आया समझ, ठीक है। अब अगर यही कॉन्फ़िगरेशन होगी, फिर से सुनना, यही कॉन्फ़िगरेशन होगी, ओके 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 ओके, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ मास होगा m1, यहाँ मास होगा m2, यहाँ मास होगा m3, मुझे ये चाहिए होगा दूसरी बार भी, ठीक है, तो मैं इसमें एक काम कर लेता हूँ, किधर गया, सेकंड, हाँ इसे मैं इधर बना लेता हूँ, ठीक। अच्छा, अगर ये होगा और ये ऊपर जा रहा होगा ए एसेलरेशन से, तो इस पॉइंट पे जो नॉर्मल बनेगा यहाँ ग्राउंड पे, इस पॉइंट पे दबाव किस किस का है, m1 m2 m3, और यहाँ लिखना पड़ेगा आपको जब सिस्टम ऊपर जाए g+a, यहाँ पे यहाँ नॉर्मल क्या आएगा m2 + m3 × g+a, ठीक है। और यहाँ अगर देखा जाए तो नॉर्मल n′ n" मान लेते हैं, वो आएगा m3 × g+a, ठीक है। और जब यही सिस्टम नीचे आता है ए एसेलरेशन से, तो प्लस की जगह हम माइनस लिख देते हैं, मतलब विल बी राइटिंग सेम इक्वेशंस अगेन, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा स्टोरी में, हम प्लस की जगह क्या लिख देंगे, माइनस। ये नॉर्मल रिएक्शन यहाँ होगा, बट यहाँ पे g+a के बजाय g- a आएगा, ये नॉर्मल रिएक्शन यहाँ होगा, ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन यहाँ होगा और ये नॉर्मल रिएक्शन यहाँ होगा, लेकिन g के बदले g- a आ जाएगा, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ आ रहा है। अब देखो इस वाले केस में क्या लिखा हुआ है, इस वाले केस में अगर तुम नॉर्मल रिएक्शन निकालना चाहते हो, जैसे यहाँ पे निकालना चाहते हो, तो क्या आएगा, नॉर्मल रिएक्शन दोनों का है मास, दबाव m+m g+a ऊपर जा रहा है ना, और यहाँ पे अगर निकालना चाहते हो नॉर्मल रिएक्शन m ही है ना जो ऊपर है दबाव m g+a, है ना, इट इज़ सो सिंपल आई गेस, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, ये एक स्पेशल केस है, इसमें हमसे पूछा है नॉर्मल रिएक्शन निकालिए, है ना, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है 20 N का, थोड़ा अगर हम इसे देखना चाहें इस क्वेश्चन को, तो थोड़ा ज़रूरी सवाल है, तो ध्यान से देखिएगा सब लोग, लेट मी ड्रॉ दिस डायग्राम अगेन, मैं एक बार दिखाऊंगा फोर्सेस कैसे स्प्लिट करते हैं, फिर अगली बार तो हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है बेटा जी। एक काम करते हैं, ये बना लिया मैंने ये केस वापस से, ठीक है, ओके 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 ठीक है।
अब यहाँ एक फोर्स लग रहा है जो कि है इधर की तरफ, है ना, और ये कितना है 20 न्यूटन, ठीक। ओके, अब देखना ज़रा, पहली बात मुझे बताओ, अगर मैं इस केस में देखना चाहूँ, एक एक्सीज में ये ले रहा हूँ वाई एक्सीज है ये, और एक एक्सीज में ये ले रहा हूँ एक्स एक्सीज, ठीक है, ये मैं ले रहा हूँ एक्स और ये मैं ले रहा हूँ वाई, ये एंगल 37 है, यहाँ पे ये 90 है, तो ये होगा 53, ये होगा 37, ये होगा 53 और ये फिर से होगा 37, ठीक। तो इस 20 को सेपरेट करेंगे, यहाँ से आएगा 20 cos 37 और यहाँ से आएगा 20 sin 37, एम आई राइट? 20 cos 37 मतलब 20 इंटू 4/5 यानी 16 और ये 20 इंटू 3/5 मतलब 12, ठीक। ये फोर्स और ये फोर्स, इस तरह से तुम एक और बात बताओ, यहाँ से लगेगा ना फोर्स mg, इसका मास कितना mg यानी 50, तो आप यहाँ से एक कंपोनेंट निकाल सकते हैं, किधर गया, आप यहाँ से एक कंपोनेंट, अरे नहीं नहीं mg इधर से लग, ओ क्या कर रहा हूँ मैं, mg इधर से लगेगा 50, यहाँ से आएगा 50 cos 37 और यहाँ से आएगा 50 sin 37, 50 cos 37 मतलब 50 इंटू 4/5, 5 × 10 तो 40 और ये 30 और नॉर्मल रिएक्शन इधर ऊपर, तो नॉर्मल रिएक्शन को देखो, नॉर्मल रिएक्शन बराबर आएगा इन दोनों फोर्सेस का सम 40 + 12, ठीक है, यानी 52 न्यूटन। और अगर मुझे एसेलरेशन निकालनी है तो ये ब्लॉक तो नीचे जा रहा है, मैं कैसे लिखूंगा एक इक्वेशन ज़रा बताओ, 5 × a नेट फोर्स m * a दैट इज इक्वल टू, जिधर फोर्स है ना, जिधर ऑब्जेक्ट जा रहा है उधर वाला फोर्स 30 माइनस अपोजिट वाला फोर्स 16, तो एसेलरेशन इज 30 - 16 डिवाइडेड बाई 14/5, ठीक है, दैट विल बी 14/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इज दैट क्लियर, ठीक, ऑब्वियसली दैट इज क्लियर, है ना, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कार्ट है जो चल रहा है, ठीक है, इस कार्ट का मास है 4 kg और इसमें ये ABCD ब्लॉक्स लगे हुए हैं, ठीक है ना, हर एक का मास गिवन है, हमने 60 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करा है इस पर, और आपसे पूछा है कि चलिए एक बात बताइए, व्हाट इज़ द फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स बताना है बिटवीन डी एंड द वर्टिकल ऑफ द कार्ट, डी और कार्ट का जो वर्टिकल है, डी ये है और कार्ट है यहाँ पे, इस पॉइंट पे हमें नॉर्मल बताना है, ठीक है, काम करो, एसेलरेशन क्या आएगी सिस्टम की, दैट इज 60 / नेट आएगा ना 2 + 2 + 1 + 1 + कार्ट का अपना मास क्या है 4, तो एसेलरेशन ऑफ द कार्ट इज 60/2 = 4, 5, 6, तो 60/10 यानी 6। ज़रा एक बात बताओ, FBD बनाओ ज़रा कार्ट की, कार्ट ये है ना, कार्ट का अपना मास है 4 kg, ये आगे जा रहा है विद एन एसेलरेशन ऑफ 6, डी ब्लॉक इस पर एक नॉर्मल लगाएगा इधर की तरफ, ठीक है, ओके, इतना ही होगा ना फोर्स, तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर आएगा, मास इंटू एसेलरेशन यानी 6 यानी 24 न्यूटन, सही बात है, ठीक, हाँ सिंपल, अगर मैं डायरेक्ट करता तो डायरेक्ट, अच्छा इस पॉइंट पे नॉर्मल निकालना था, इधर की तरफ लग रहा है फोर्स, इस पॉइंट के इस तरफ कौन सा मास है, सिर्फ कार्ट, तो नॉर्मल आता 4 / टोटल 4, टोटल मास क्या है 2 + 2 + 1 + 1 + 4 × 60, वो भी 24 ही आता, आ रहा समझ, अरे शॉर्टकट से जैसे सिखाया था ना, इधर की तरफ फोर्स लग रहा है इस पॉइंट की इस तरफ, जो मास है वो है 4 kg का कार्ट अपॉन टोटल मास इंटू फोर्स, इज दैट क्लियर, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, एक दो क्वेश्चन और लेके आते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई करना चाहोगे, साल में एक छोटा सा मसला आ रहा है, ठीक है, मैं बताऊँ क्या मसला आ रहा है, इस फोर्स की डायरेक्शन ये नहीं है, ये इधर की तरफ लग रहा है, सॉरी हाँ गलत बनाया क्वेश्चन में, इधर की तरफ है ये फोर्स है, ठीक है, थोड़ा सा गलती है सवाल में, कोई नहीं हम ऐसे करेंगे, ठीक, यहाँ अगर देखा जाए तो ये एंगल जो है ये 37 है, तो यहाँ आएगा एफ कॉस 37, यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एफ साइन 37, ठीक है, छोड़ो ये 4/5 एफ है, तो इधर लग रहा है ना नेट फोर्स, तो ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, सही है, अब यहाँ पे नॉर्मल n1 मान लेते हैं, इधर जा रहा है ऑब्जेक्ट इस तरफ, जो मासेस हैं पॉइंट के इस तरफ m2
m3 m4 अपॉन नेट मास m1 प्लस m2 m4 इंटू टोटल फोर्स जो है वो 4/5 न्यूटन। आई गेस आई एम राइट यस ओबियसली ठीक। अच्छा अगर मैं इस पॉइंट पे नॉर्मल निकालता यहाँ पे, तो जिधर ऑब्जेक्ट जा रहा है इधर उस पॉइंट के इस तरफ जो मासेस हैं m3 m4 डिवाइडेड बाय टोटल m1 m2 m3 m4 इंटू जो फोर्स लग रहा है वो कितना है 4/5 n2 है ये। इस तरह से n3 में यहाँ पे निकाल सकता था डायरेक्टली, है ना। क्या आता है इस तरफ जो मास है वो m4 डिवाइडेड बाय m1 m2 m3 m4 इंटू 4/5 न्यूटन। क्लियर हो रहा है? ठीक है, कर सकते हो। ठीक, अच्छा एक सवाल सवाल, ठीक चलो इसे थोड़े लेंथी मेथड से करेंगे, इस वाले को थोड़े लेंथी मेथड से करेंगे, बाकी को तो सबसे इजी मेथड से किया ना। एसरेशन क्या आएगा, इस तरफ लग रहा है 48 माइनस इस तरफ लग रहा है 12 डिवाइड बाय नेट मास 1 + 2 + 3। 48 में से गए 12 तो 36 अपॉन 3, 2, 5 और 1, 6 यानी 6। एसरेशन क्या है, 6 m/s². अच्छा मेरे को ये बता सकते हो कि किधर की तरफ ये एसरेशन आ रही है 6? जिधर ज़्यादा फोर्स है, सही, इधर की तरफ। ज़रा पहले वाले का एबीडी बनाओ, इधर लग रहा है इस पर 48, ठीक 2 kg इस पर नॉर्मल देगा इधर, सही है, और एसरेशन इधर है। ज़रा लिखो 1 × a नेट फोर्स m × a, जिधर नेट फोर्स लग रहा है उधर वाला फोर्स 48 माइनस अपोजिट वाला, ये है 6, नॉर्मल आएगा 42, सही कह रहा हूँ? ठीक, ज़रा 2 kg का एबीडी बनाओ, इधर देगा इस पे n kg नॉर्मल 42, ठीक है, और इधर की तरफ लग रहा है उसका नॉर्मल n डैश, और ये आगे जा रहा है और कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, तो मैं बोलूँगा इसका मास है 2 kg, एसरेशन 6 नेट, जिधर एसरेशन है इधर की तरफ उधर लग रहा है 42 माइनस n डैश, n डैश आएगा 42 माइनस 12 30 न्यूटन। ठीक है, am I right? नॉर्मल आया समझ? ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे टेंशन। ओके ठीक है।